हेलो गाइस, सभी भाइयों को मेरा राम राम। मेरे नए व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। गुरमीत नैन व्लॉग्स में अभी हम स्पेशली एक पोल्ट्री फार्म पे आए हैं जो कि गांव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जो आप देख पा रहे होंगे पोल्ट्री फार्म सामने, ये दो पोल्ट्री फार्म हैं। एक जो पाइप के द्वारा बनाया गया है पाइप से, और ये जो सीमेंट वाली जो साइड होती है ऊपर, उससे बनाया गया, एक सिंपल तरीके से बनाया गया अपनी कड़ी और काट से, जैसे कि आप से हमने देख पा रहे होंगे। ये है फ्रंट गेट ऑफ पोल्ट्री फार्म। आगे जाते हुए कृपया करके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। अभी फार्म का गेट खोलने लग रहे हैं जो यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, देखभाल करते हैं पोल्ट्री फार्म की। अभी गेट ओपन नहीं था और बंद किया गया था, सो अभी जाते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं लगभग अभी 2 या 3 महीने के बाद आया हूँ फार्म पे, पोल्ट्री फार्म पे। ये अपने अंकल रामपाल जी का फार्म है। ये दिल के बहुत ही अच्छे हैं इंसान, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हाँ जी, खोलना गेट। वीडियो बनाने लग रहे थे, रामपाल अंकल जी नहीं है। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है वो? वो तो नहीं है। अच्छा, तो अभी बच्चा वगैरह कुछ अभी डाला है? नहीं डाला था, एक तो निकल गया थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या रेट में निकला उनका? 90-95। 90-95 में? अच्छा, सो अभी इस फार्म में तो खाली है ये तो? थोड़ा है उसमें भी है। अच्छा, आगे है 500-600 उसमें भी है। अच्छा, अभी कौन सी कंपनी के डाले हुए हैं? कुंडो। कुंडो कंपनी के, वहीं से फीड आ रहा है सब कुछ। अच्छा, सो फिर इसके अंदर जाके देखता हूँ मैं। खोलना इसको, गेट को। धन्यवाद गेट खोलने के लिए आपका। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे भाइयों, अभी पोल्ट्री फार्म के हम अंदर आ चुके हैं। अभी कुछ एक हफ्ता पहले ही, अभी तो सफाई का काम चला हुआ है, सफाई का काम चला हुआ है। जो अपने चिकन के तैयार हो गए थे मुर्गे, उनको तो मार्केट में डिलीवरी कर दिया गया है। लगभग 95 रुपये की मार्केट थी। और जो ये कुंडू कंपनी के फार्म, ये बच्चे पाए गए थे जो चूजा है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कभी भी पोल्ट्री फार्म बनाए तो लगभग ये 36 की इसकी चौड़ाई है, और लगभग 200 फीट की इसकी लंबाई है। इसी साइज़ में बनाए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो वेंटिलेशन है वो क्रॉस वेंटिलेशन होता है, वो बढ़िया रहता है। और इसमें टेम्परेचर भी बढ़िया रहेगा, और टेम्परेचर के साथ साथ अगर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो फिर ज़्यादा भट्ठी लगानी पड़ेंगी इस सर्दियों में, और गर्मियों में ज़्यादा हीट नहीं होगी इसमें, इसलिए थोड़ा इसी साइज़ में बनाए। और ये जो आप साइज़ देख पा रहे होंगे छत का, लगभग जो सेंटर में आप देख पा रहे हैं, ये पाइप लगभग 11 फीट की होगी, 10 या 11 फीट की होगी, और जो पास में देख रहे होंगे 8, ये साइज रखना है आपको अगर कभी भी पोल्ट्री फार्म बनाए। जैसे कि आप आगे देख पा रहे होंगे, ये जीरी का बरादा कुछ छिलका वगैरह डाला गया है। अब हम आगे की तरफ चलते हुए जहाँ पर चूजे डाले गए हैं, और ये जो आप ये देख पा रहे हैं,
ये जो यहाँ पर डाली गई है ये कली है, ये जो कली है जो ये सूक्ष्म जीवाणु कह लीजिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ख़त्म करती है और फिर यहाँ पर क्लीनिंग का काम करती है और कोई ऐसा वायरस नहीं आने देती जो कि मुर्गे को तकलीफ़ दे या मतलब एंटी बैक्टीरिया का काम करेगी वो, जो ये कली यहाँ पर बिछाई गई है। पहले क्या होता है कि कली बिछाई जाती है मतलब धरती पे, पहले पॉइंट ये होगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं जीरी का छिलका कुछ इसमें और भी बारूदा लकड़ी को मिलता है, उसके बाद ये पूरे फार्म में बिछाया जाता है ताकि, इसलिए बिछाया जाता है ताकि छोटा बच्चा छोटा होता है शुरू में और उसको हीट मिलती रहे तो और वो जल्दी तैयार हो जाए, ये भी रीज़न है इसका। फिर इसके कारण भट्ठी भी कम लगती है, जो कि जो भट्ठी पे कॉस्ट होती है उसको बरादर वगैरह की कॉस्ट होगी जो कम होगी और प्रॉफिट में फार्म ज़्यादा जाने की चांस रहती है। जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर स्प्रे की टंकी भी रखी गई, इसी में यूज किया गया होगा, किया जाता है। और फिर ये भट्ठी आ जाती है, जैसे कि आप ये भट्ठी देख पा रहे हैं मेरे सामने, या इसका ये जो पाइप है ये स्मोक के लिए है। अभी आपको खोल के दिखाते हैं अंदर से।